नमस्कार, फ्रंटियर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में। और यहाँ लिखा गया है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट गेन्स इंपॉर्टेंस, कि इस कॉन्सेप्ट को अभी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो बेसिकली वन हेल्थ के अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं, जो है कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग यानी किस तरह से हम सब लोग मिलकर के कोई भी अगर हेल्थ क्राइसिस या इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कोरोना वायरस को हम ले लें, कोविड-19 को, तो इस तरह से हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, उसमें हम किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर इन बिटवीन जैसे कोई अवेयरनेस फैलाने के लिए हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन, जैसे आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसे आप किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे मेन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WHO है, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं उसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचा सकते हैं। और कोलैबोरेटिंग, जैसे कि एक पेंडेमिक डिजीज़ है तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम एक जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं इस तरह के जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में, उनकी वजह से होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके बीच में, और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह से हम एक पीस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वैसे तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसके ऊपर इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ये बेसिकली जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है, ये जूनॉटिक डिजीज़ के ऊपर बेस्ड है। सवाल आता है जूनॉटिक डिजीज़ कौन सी हैं। जूनॉटिक डिजीज़ वो होती हैं जिन जो इन्फेक्शन जो है वो मेनली स्प्रेड होता है एनिमल से, यानी कि वो डिजीज़ एक्चुअली किसी न किसी एनिमल के अंदर ओरिजिनेट हुई होगी, शुरू हुई होगी, और उसके बाद में वो इन्फेक्शंस है, जो इन्फेक्शन है वो आ जाता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो उन डिजीज़ को हम कहते हैं जूनॉटिक डिजीज़। जैसे आपने इसमें रेबीज़ का एग्जाम्पल ज़रूर सुना होगा, कुत्ते के काट लेने की वजह से आपको रेबीज़ हो जाता है। तो इसी तरह से जो कोरोना वायरस 19 है, कोविड-19, और स्वाइन फ्लू के बारे में भी अगर आपने सुना हो तो उसके बारे में बताया गया था शुरू में कि वो पिग से शुरू हुआ था, और उसका जो मीट है अगर आप उसने प्रॉपरली कुक करके नहीं खाया है तो उस वजह से हो सकता है। और जो कोविड-19 है उसके बारे में कहा है कि वो उसका जो ओरिजिन है उसके इन्फेक्शन का, वो शुरू हुआ है बैट्स से, यानी कि चमगादड़ से। तो वन हेल्थ अप्रोच क्या है? तो वन हेल्थ अप्रोच में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। तीन चीज़ों के अंदर कौन कौन सा था? कम्युनिकेशन था, कोऑर्डिनेशन था और कोलैबोरेशन था। तो वन हेल्थ अप्रोच के अंदर क्या होने वाला है कि किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नए नए प्रोग्राम्स को, नई पॉलिसीज़ को, किसी तरह का कोई नया लेजिस्लेशन, कोई रूल है, या फिर अगर कोई रिसर्च एक्टिविटी वहाँ पे होनी है जो ज़रूरी है, और जिसके अंदर ज़रूरी होगा सबसे ज़्यादा क्या, अलग अलग सेक्टर्स का कम्युनिकेट करना। क्योंकि देखिए, जैसे एक वायरस का ये इन्फेक्शन चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वायरस की स्टडी करने वाले लोग जो हैं केवल वही लोग मिलकर के रिसर्च में पहुंचे। हो सकता है ये भी पॉसिबल हो, बट यहाँ पे हमें एक टाइम बाउंड चीज़ करना ये भी इम्पॉर्टेंट रह जाता है इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर। तो हो सकता है कि हम वायरस के ऊपर जो पढ़ने वाले वायरोलॉजी वाले लोग हैं उनको हम कंसल्ट करें, उसके साथ में जैसे फार्माक्यूटिकल्स हैं या फिर जो फार्मासिस्ट हैं उनसे हम यहाँ पे उनके, और उसके साथ में जैसे जूनॉटिक्स वाले हैं, जैसे कोई पर्सन है जो बैट्स पे स्टडी कर रहा हो, तो इस तरह से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको हम एक जगह पे लाकर के उनमें कम्युनिकेशन बढ़ा करके हो सकता है इस तरह की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ा सकें, जिससे हम जो पब्लिक हेल्थ जो है उसके ऊपर एक अच्छा काम किया जा सके। तो द एरियाज ऑफ वर्क इन विच वन हेल्थ अप्रोच इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके अंदर जो वन हेल्थ अप्रोच है वो मेनली काम करेगा, वो है फूड सेफ्टी के ऊपर और जूनॉटिक डिजीजेस के कंट्रोल के ऊपर। जूनॉटिक डिजीजेस में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रेबीज, कोविड-19, रिफ्ट वैली फीवर है, उसके अलावा फ्लूज हो सकते हैं जिसमें स्वाइन फ्लू आपने देखा होगा, बर्ड फ्लू भी होता है, और उसके साथ साथ में कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो देखिए, ऐसा होता है बहुत टाइम बाद में, जैसे आप सरदर्द के लिए कोई भी एक टैबलेट आप रेगुलरली अगर ले रहे हैं तो बहुत टाइम बाद में ऐसा होता है कि वो टैबलेट आप पर इफेक्ट उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी वो फर्स्ट टाइम पे थी। सेम हमारे पास में जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवी हैं, उनके साथ भी होता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए आप जो दवाइयाँ लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स अगर आप लेते रहोगे रेगुलरली तो थोड़े टाइम बाद में बैक्टीरिया जो है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और कुछ टाइम बाद में वो जो ड्रग है, स्पेसिफिकली वो जो दवाई है, वो उस बैक्टीरिया पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं करती है। तो तीन चीज़ें हैं जिन पर वन हेल्थ बेसिकली काम करेगा, वो कौन कौन सा है? वो है फूड सेफ्टी, वो है जूनॉटिक डिजीजेस, और वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हम किस तरह से बच सकते हैं।
तो वन लाइन्थ, वैसे वन हेल्थ जो है अभी तक एक कंसेप्चुअल एंटिटी, यानी इसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लेट 1950 के एंड में अगर आप बात करें तो इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वहाँ पे हुआ है। जूनॉटिक डिजीजेस की आप बात करें तो जूनॉटिक डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में फैलती हैं एनिमल्स के थ्रू, यानी उनका जो इन्फेक्शन का ऑरिजिन है, शुरुआत है, वो एनिमल्स से होती है। काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे बैट्स हमने देखे, पिग्स हमने देखे, उसके अलावा मैंने डॉग्स से आपको बताया रेबीज। तो अगर आप जूनॉटिक डिजीजेस जो हैं उन पे कंट्रोल पा सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट कॉज होता है 60% जो इमर्जिंग नए नए इन्फेक्शन जो आ रहे हैं उनके पीछे जो मेन वजह है वो है जूनॉटिक डिजीजेस। तो किस तरह से जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको जो हानि पहुंचाई गई है, उसके अलावा जो ट्रेड और ट्रैवल का काम है, और किस तरह से फूड प्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन के अंदर बहुत सारी जैसे ऐसे फूड हैबिट्स को डेवलप किया गया है, इन सब की वजह से ऐसे बहुत सारे नए पाथवेज खुल गए हैं जिनकी वजह से ये जो नए पैथोजन हैं, जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजन्स हैं, ये आसानी से जानवरों से सीधा ह्यूमन बींग्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। इंडिया का क्या कहना है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो 1950 में जो हमने जिक्र किया, 1950 में वन हेल्थ अप्रोच की वजह से एक KFT डिजीज़ होती है, काइनोसॉर फॉरेस्ट डिजीज़। इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये डिजीज़ कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में भी हमें शुरू में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन वन हेल्थ अप्रोच की हेल्प से हमने ये जो डिजीज़ था इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना। और ये डिजीज़ अगर आप COVID-19 से कंपेयर करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग थी, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। तो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ, तो ये कैसे हो पाया, यानी हमें कैसे पता चला कि KFD जो डिजीज़ है वो किससे हो रही है? तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे वायरस रिसर्च सेंटर था जिसे अब जाना जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के नाम से, जो पुणे में सिचुएटेड है, उसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्रल सोसाइटी। तो ये तीन अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आपस के कम्युनिकेशन, उनके कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया, तो उसी की बात हम अब कर रहे हैं। इसी के साथ 2018 में अगर आप देखें तो 2018 में निफा वायरस का आउटब्रेक हुआ था केरला के अंदर, तो इसको भी सक्सेसफुली वन हेल्थ अप्रोच से मैनेज किया गया था, और ये जो है ये आउटब्रेक जो है 23 केसेस पर ही हमने इसे रोक दिया था आउटब्रेक को। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं वन हेल्थ अप्रोच जहाँ पे अब यूज़ किया गया। तो हो सकता है इन फ्यूचर में या फिर अभी भी कोरोना वायरस जो है उससे लड़ने के लिए हम इस अप्रोच को यूज़ करें। द सक्सेस इज क्रेडिटेड, इसकी सक्सेस को आप किसके ऊपर, किसका, किसको क्रेडिट दोगे इस सक्सेस का, जिससे हमें KFT का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का पता चला, नीफा वायरस का जो आउटब्रेक था उसे हमने रोका। तो इसका मेन जो क्रेडिट जाता है वो जाता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और पॉलिटिकल विल को, कि एक पॉलिटिकल विल होती है कि हमें जल्दी से जल्दी इस तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, इनके केसेस को रोकना है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो है वो नेशनल मिशन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग का, उसका है कि वो बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन हेल्थ को एक साथ लिंक करती है वन हेल्थ फ्रेमवर्क के थ्रू। लेकिन अब आप पूछेंगे कि अगर ये इतना सक्सेसफुल है, इसमें इतने फायदे हैं, तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें मल्टीपल अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को, तो यहाँ पे हमें अलग 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 जगह से अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और इन अप्रूवल्स की वजह से ये जो काम है ये आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग तरह के कोलैबोरेशन करने हैं, अगर आपको मान लीजिए 5 लोगों को एक साथ अगर आपको काम करवाना है, तो आपको उन सब की सहमति लेनी होगी, उन सब में जो बेस्ट आपके पास में लोग होंगे उनको एक जगह लाना होगा। तो इन तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से इस पर अब तक इतना फोकस नहीं दिया गया था। तो हो सकता है इन फ्यूचर कोरोना वायरस के लिए हमें देखने को मिले कि किस तरह से वन हेल्थ जो है वो फिर से एक्शन में आए। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन बींग की बात करें तो उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे नेग्लेक्टेड लिंक्स होते हैं जिन्हें हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मान करके इग्नोर कर दिया होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स और बायोडाइवर्सिटी, जैविकता के बीच में जो हमारे पास में जीव विविधता है उसके बीच में काफ़ी ऐसे लिंक्स होते हैं जिनको हमें नेग्लेक्ट कर दिया होता है अलग अलग स्टेजेस पे। तो हम वही जानेंगे, वेलबींग अक्रॉस अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं, वो हेल्थ का हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हो सकता है, लाइवलीहुड जनरेशंस का भी हो सकता है। वे फॉरवर्ड अगर आप बात करें तो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें जिससे न्यू पैथोजन्स होते हैं, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी डिजीज कॉज करने वाले जीव को हम पैथोजन कहते हैं, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी देखो कि किस तरह से एक तो नए इन्फेक्शन आ रहे हैं और किस तरह से पुराने जो इन्फेक्शन है वो फिर से शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप इनको देखो तो ये एक बहुत हाई टाइम है जहाँ पे हमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अलग अलग कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ में, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए ऐसा जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसे फाइट
करने के लिए हमें ऐसी अप्रोचेस की जरूरत होगी। इंडिया जो है उसे एक लीप फ्रॉग की जरूरत है, यानी कि इस तरह के जो ये हमारे पास में अथॉरिटीज अलग अलग जो हैं, ये जो प्रिवेंट कर रही हैं, या फिर ऐसा सिस्टम जो है जो पहले चलता आ रहा हो जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज का हमें वो परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ती हो, तो इन सबको हमें पीछे रखते हुए हमें ऑपरेशनल टेक्निक जो है रिसर्च टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इससे हम क्या है जूनॉटिक डिजीजेज जो हैं वो नई जो आ रही हैं उनके बारे में हम और जान पाएंगे, या फिर किसी भी डिजीज़ के इमर्ज होने से पहले ही हमारे पास में वो टेक्निक्स हमें मालूम होंगी जिनसे उन रोकथाम उनकी करी जा सकती है, और इस तरह से जो जो भी डेथ्स हैं या फिर जो आउटब्रेक्स हैं पेंडेमिक्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। आज के लिए यही था, धन्यवाद।